राजधानी रेडियो, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज राजधानी रेडियो। विदिशा। करीब 40 किलोमीटर दूर ग्राम बामोरा के ग्रामवासी लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं के लिए मछली की तरह तड़प रहे हैं, लेकिन किसी भी जिम्मेदार का कोई ध्यान इस ओर नहीं है। ग्रामवासियों का कहना था कि पिछले 35-40 वर्षों से पानी का पुख्ता इंतजाम न होने के कारण ग्राम की दर्जनों युवक कुवारे बैठे हैं। उनका कहना था कि पानी कोसों से दूर लाना पड़ता है। वजह इसकी यही है कि अन्य ग्रामवासी इस ग्राम में अपनी बेटियों का विवाह या बेटी नहीं देते हैं। हालांकि ग्रामजनों का कहना था कि जिला प्रशासन को करीब 4-5 बार ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन कोई सुध लेने वाला अभी तक नहीं आया। वहीं दूसरी और अगर बात करें तो ग्राम के अंदर करीब 200 से 250 लोग के कच्चे पक्के मकान बने हुए हैं, लेकिन 200-250 में से मात्र 2 लोगों की कुटीर आई हुई है। वहीं अगर बात करें तो पानी के लिए मात्र 1 कुआ है, वह भी बरसात में गंदगी से भरा हुआ है। हैंडपंप तो लगे हुए हैं लेकिन पानी नहीं निकलता। आखिर मजदूर ग्रामीण जन किस से उम्मीद लगाएं? उनकी पूरी दास्तान सरपंच सचिव भी शायद भांग की गोली खाकर सो रहे हैं। मैं, मेरी उम्र हो गई है, भोपाल से आए हुए, पढ़ाई मैंने भोपाल में की है। यहाँ पे कम से कम 1.5 किलोमीटर के ऊपर से हम दायरे से ये कुआ है बाजू में, पानी लेके जाते हैं। आवास का कोई नाम नहीं है। कलेक्टर साहब के पास कई बार दरखास्त दे चुके हैं। कलेक्टर साहब कहते हैं नल जल योजना पहले से स्वीकृत है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पूरा बस्ती कम ऊपर पहाड़ी तक घर बसा हुआ है। किसी के पास कोई कुटी नहीं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं। कलेक्टर साहब कितने लोग रहते हैं? कम से कम 200 घर का बस्ती का घर जी। गरीब आदिवासी हरिजन लोग भी हैं। कलेक्टर से शिकायत करी, वो उसका कलेक्टर साहब कहते हैं बस देख लेंगे। कोरोना लगा उसके पहले भी हम गए 2-3 महीने पहले, और अब हर मंगलवार को जा रहा है। कलेक्टर साहब नहीं सुनते। सरपंच सचिव का क्या कहना है? सरपंच सचिव कहते हैं कल हम दरखास्त दे रहे हैं, हमारे भी नहीं सुन रहा है। ये कहते हैं कल हम आपकी कैसे सुन ले। 200 बस्तियों में से कितनी कुटीर आई है? सिर्फ मात्र दो दो बस मात्र। हमारे बच्चे की शादी भी नहीं हो रही, मेहमान आते वापस चले जाते हैं, कहले हम नहीं दे रहे लड़कियां जाए, कहले पानी की दिक्कत है। कितने वर्षों से रह रही हैं आप? हम यहाँ कितने 100 साल पूरी जिंदगी हो गई हमारी, रहते जाई और क्या। शादी हो गया, आज अब तो यही रह रहे, हम कहीं गए ही नहीं गाँव छोड़ के। कितने बच्चे हैं आपके? 3। तो उनकी शादी नहीं हो रही? नहीं हो रही। क्या वजह बता रहे हैं? ये कि घर कच्चे आएंगे और पानी दूर, पानी दूर भरे, हमारी बस की नहीं है लड़की देनी। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। क्या समस्या है यहाँ पर? सर हमें समस्या ही पानी की, कुटी नहीं है, घाटी गाँव है, वो पानी दूर। पानी कितनी दूर से लाती हैं आप? बहुत दूर से लाते हैं। कहाँ से लाती हूँ? तुम खुद देख जाइए। कहाँ से लाती हूँ? क्या साधन, क्या किससे? कुआ है, तालाब है, बावड़ी है, कुआ भी है जी। कितने किलोमीटर होगा यहाँ से पानी लाती होगी आप? 1 किलोमीटर है। हमें बरसात में भी दिक्कत है, कुटी भी मिलना चाहिए हमारे काज। तो बरसात में दिक्कत है, बहुत दूर को पानी है वो, और न कुटी मिलेगी। जो लेती है मकान जो है जी, क्या समस्या है यहाँ पर? जो समस्या, पानी कुटी चाहिए मुझे जी। कब से परेशान हो रही हैं? मैं तो बूढ़ी हो गई था, बुढ़ी हो गई जी पानी से। तो यहाँ पे जो सरपंच सचिव है वो लोग कुछ करते नहीं करते? कपा तो क्या, हम कहते हैं हम दरका देते हैं, नहीं ले लेते हैं। बुढ़ी हो गई मैं भर भर के। वो देखो आप मेरे। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं, 1 लड़की है। धन्यवाद। विदिशा से कमल रेखवार की रिपोर्ट। राजधानी रेडियो, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज राजधानी रेडियो।